खेतों का राजा कहे जाने वाले ट्रैक्टर के लिए अब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है राजस्थान के 12 जिले के रहने वाले बीएससी के छात्र योगेश नागर ने। नागर ने ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जिससे ट्रैक्टर को रिमोट से चलाया जा सकता है। खास रिपोर्ट आप देखिए। 12 जिले के एक छोटे से गांव बम्बोरी कला के रहने वाले 19 वर्षीय बीएससी के छात्र योगेश नागर ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिसमें रिमोट की सहायता से ट्रैक्टर को चलाया जा सकता है। नागर के इस काम को देखकर टॉप आईआईटीएंस दांतों तले अंगुलियां दबा रहे हैं। मेरा नाम योगेश नागर है, गाँव बम्बोरी कला है, तहसील मांगरोल और जिला बारा। ये वीडियो वायरल हो रहा था, वो पूरी सच्ची घटना है। ये वीडियो जब किसानों के साथ इसको चेक किया गया था ट्रैक्टर को, तभी वायरल किया गया है। ये जो एक्सपर्ट किसान थे उनके साथ में इसका चेक किया गया था। दरअसल योगेश बेहद साधारण परिवार से हैं। उनकी माँ शीला नागर गृहिणी है और पिता राम बाबू नागर 15 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार का पालन कर रहे हैं। उनके घर में एक ट्रैक्टर है जिसमें घर की खेती की जाती है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने की वजह से पिता के पेट में दर्द रहने लगा तो परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया। उसके बाद नागर ने अपने पिता की सहायता करने की सोची और एक ऐसा आविष्कार किया जिसमें खेत में एक जगह बैठकर पिता ट्रैक्टर से खेत की हकाई जुताई कर सके। इस एक रिमोट बनाने पर खर्चा करीब 45,000 रुपए आया। हालांकि योगेश के पास पैसों की व्यवस्था नहीं, लेकिन पिता के हौसले की वजह से योगेश ये आविष्कार करने में कामयाब रहे। अभी इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा स्पेशल व्हीकल तैयार किया है जो अभी तक तो हमारी आर्मी के पास नहीं है। हाँ, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर उसके पीछे अगर आर्मी के 3 ट्रक को ज्वाइंट कर दिया जाए तो उनको भी वह खींच के ले जा सकता है, इतना पावर वाला। हाँ, एक व्हीकल है, लेकिन ये क्या है, अभी कागजों पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में रेडी किया है। योगेश का सपना है कि जैसे उन्होंने इस नई तकनीक का इजाद कर पिता की कठिनाइयों को दूर किया है, वैसे ही योगेश देश के लिए भी बिना आर्मी के खुद लड़ने के उपकरण बनाने की योजना बना रहे हैं। राम मेहता, जी मीडिया 12।